आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DIP डाइट प्लान के बारे में। बेसिकली चार मेजर क्वेश्चन जो हैं, चार मेजर कंफ्यूजन उसकी बात करेंगे। पहला, DIP डाइट क्या है? दूसरा, DIP डाइट में क्या, कब, कैसे और कितना खाना है? तीसरा, DIP डाइट किसके लिए है? और चौथा, DIP डाइट में क्या नहीं करना है? सो ये सारे जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। सो इंश्योर कर इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आधा ज्ञान कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, जो कि है व्हाट इज DIP डाइट या DIP डाइट क्या है। तो अगर बात करें DIP डाइट की, तो DIP डाइट दिया था डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने, जो ये क्लेम करते हैं कि अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप इस डाइट को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और आपको फर्क पहले ही दिन से देखने को मिलेगा। मेजरली जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो इस डाइट को अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में और उन्हें इसका रिजल्ट पहले दिन से ही देखने को मिल जाएगा। अगर वो मेडिसिन पे हैं तो उनकी मेडिसिन बंद हो जाएंगी, अगर वो इंसुलिन लेते हैं तो वो भी डोसेज काफी कम हो जाएंगी, ऐसा ये क्लेम करते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि हमें DIP डाइट में क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। तो बेसिकली ये चीज़ डिपेंड करती है आपके बॉडी वेट पे। तो पहले मील की बात करते हैं, ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में यहाँ पे आपको जो खाना है वो है फ्रूट्स। आपको डिफरेंट तरह के फ्रूट्स खाना है, आपको जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वाटरमेलन होता है, ग्रेप्स होता है, बाकी आप मैंगोज ले सकते हो। तो डिफरेंट तरह के फ्रूट्स आप इकट्ठा करो, आपको उसे 8 से 12 बजे के बीच में खाना है। आप चाहो तो एक बार में खाओ, आप चाहो तो कई बार करके आप इसे खा सकते हो। लेकिन इसे खाना कैसे है, इसका वेट कितना होगा, यानी कितनी क्वांटिटी होगी, अगर उसकी बात करें तो बेसिकली आपको देखना है आपका जो भी वेट है उसमें इनटू 10 करना है उतना ग्राम आपको खाना है। लाइक अगर वेट आपका 60 kg है तो 60 × 10 = 600, तो 600 ग्राम्स आपको फ्रूट खाना है सुबह में 8 से 12 के बीच में। मल्टीपल आप चाहें तो मील इसको कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे मील्स में डिवाइड कर सकते हैं, या चाहें तो एक साथ खा सकते हैं, लेकिन 700 ग्राम के अराउंड आपको फ्रूट कंज्यूम करना है पहले मील में। तो बात करते हैं दूसरे मील की, जो कि है लंच। तो लंच में आपको यहाँ पे 2 प्लेट का कंसेप्ट है, आपको 2 प्लेट्स लेनी है। पहले प्लेट में आप रखोगे सैलेड और दूसरी प्लेट में रखोगे अपना रेगुलर खाना, जो भी आप खाना खाते हो। बाहर का नहीं होना चाहिए, घर पे कुक्ड होना चाहिए और उसमें कम स्पाइसेस और कम आपको ऑयल वगैरह यूज़ करना है। तो पहली जो प्लेट रहेगी उसमें आपको सैलेड रखना है, वो सीजनल वेजिटेबल्स होंगी, लाइक आप खीरे यूज़ कर सकते हो, मूली यूज़ कर सकते हो, गाजर ले सकते हो, इस तरह के जो भी रॉ वेजिटेबल्स होते हैं वो सारे आप अपनी एक प्लेट में रखोगे। अगर क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे क्वांटिटी आपको लेनी है जो भी आपका वेट है इंटू 5 करेंगे, यानी कि वेट अगर आपका 60 है तो इंटू 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 300। तो यहाँ पे 300 ग्राम आपको ये क्वांटिटी रखनी है सैलेड की, पहले आपको उसे ख़त्म करना है, उसके बाद से आप अपना लंच जो भी है, जितना भी आपको भूख है उस हिसाब से आप खा सकते हैं। तो आपको लंच लेना, ये थी आपकी दूसरी मील। बात करते हैं तीसरी मील की, जो कि है स्नैक्स। तो स्नैक्स में आप ले सकते हो यहाँ पे स्प्राउट्स ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, और इसकी भी क्वांटिटी डिपेंड करती है आपके बॉडी वेट पे। लाइक अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो आपको अराउंड 60 ग्राम नट्स एंड स्प्राउट्स लेना है, तो आपको ये लेना है एज अ स्नैक। और उसके बाद लास्ट में आपको जो डिनर लेना है, डिनर भी सेम वैसे ही लेना है जैसे आपने अपना लंच लिया था। यहाँ भी 2 प्लेट्स रखनी है, P1 P2 पहले कंप्लीट करना है, फिर P2 आप खा सकते हैं। लेकिन लंच का जो टाइम होगा 7 बजे के पहले, 7 से पहले ही आपको खा लेना है, यानी कि आपको सुबह से लेकर और शाम तक में सारी मील्स लेनी है। 7 बजे के बाद आप ट्राई करें कि आप कुछ ना खाएं। तो ये था पूरा डाइट प्लान कि किस तरह से आपको डाइट प्लान फॉलो करना है। तो बात करें अगर किससे ये डाइट फॉलो करनी चाहिए, तो जो भी पेशेंट डायबिटीज़ के हैं या जिन्हें बहुत ज़्यादा शुगर लेवल जिनका हाई रहता है, उस केस में वो क्या कर सकते हैं, इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। सो डॉक्टर ऐसा क्लेम करते हैं कि अगर आपने ये डाइट प्लान फॉलो किया तो आपको जो भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी वो कम होने लगेगी और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आपको पहले दिन से इसका असर देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो जब भी ये शुरू करें डाइट प्लान, तो अपना ब्लड शुगर लेवल बार बार चेक करते रह सकते हैं कि कितना ब्लड शुगर लेवल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी दवा या अपना इंसुलिन चला सकते हैं। तो ये बात हो गई किसे लेना चाहिए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या क्या हमें नहीं खाना या क्या नहीं करना है। तो बेसिकली हमें कोई भी पैकेज्ड फूड नहीं खाना है, कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोसेस्ड हो उसे हमें नहीं खानी है। लाइक कोई भी चीज़ जैसे ब्रेड हुआ, वेफर्स हुए, बिस्किट हुआ, ये सारे प्रोसेस्ड फूड हैं, ये हमें नहीं कंज्यूम करना है। और दूसरी चीज़, एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं उसे आपको इग्नोर करना है, लाइक मिल्क, मीट, एग्स, चिकन, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट जो भी हैं वो आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए हेल्दी नहीं हैं उनके अकॉर्डिंग।
तो ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी होगी, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें आपको करनी होगी। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, जो उनकी सेमिनार की वीडियो है, नीचे मैं लिंक उसका दे दूंगा। सो वहाँ से जाके आप इसका और डिटेल में से समझ सकते हैं प्रोसेस को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।